बंगाल और भारत में अल्पसंख्यक हिंदुओं और मुस्लिमों पर हो रहा जुल्म सरकार को रोकना चाहिए। अब वो आसिम आजमी होने पाए, उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में हो रहा है इतने सालों से, और रोजाना मॉब लिंचिंग, मस्जिदों में घुस करके हम मारेंगे लोगों को, कुरान शरीफ में घरों में पढ़ने देंगे, और कहीं ना कहीं रोजाना मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसकी भी चिंता में है। उसकी भी मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के लिए कानून बना दिया आप लोगों ने कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से कोई भी हमारा हिंदू भाई यहाँ आ सकता है आराम साहब, उसके लिए चिंता है। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों की भी चिंता कीजिए, इनके साथ जो जुल्म हो रहा है बिल्कुल आईने की तरह से क्लियर है कि रोजाना कुछ हो रहा है। मैं मांग करना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ की जो हो रहा है हम उसकी बिल्कुल चिंता करते हैं, उसके साथ बिल्कुल हमें उसकी आवाज़ उठाना चाहिए। परंतु भारतवर्ष में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, कुरान शरीफ जला जा रहा है, गब्र इस्लाम के ऊपर जो है तोहनी जुमले किए जा रहे हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सरकार से बार बार कहता हूँ कि एक ऐसा कानून बनाइए आप यहाँ पर कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ कुछ बात कहता है तो उसे आतंकवादी कानून में बंद किया जाए, ताकि उसकी दोबारा हिम्मत न पड़े और कुछ साल तक जेल में रहे। ये इंसाफ है, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, टीवी पे देख रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाई हमारा अल्पसंख्यक है उस पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं अगर भारत सरकार उसकी चिंता करती है तो वो सराहनीय है, बिल्कुल चिंता करना भी चाहिए। अल्पसंख्यक कमज़ोर होता है, उसके साथ अगर जुल्म हो रहा है तो सबको उसकी फिक्र होना चाहिए। मैं बांग्लादेश की सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम आप मुस्लिम कंट्री हैं, आपके मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि अल्पसंख्यक की तमाम जो है उनको उनकी उनकी सुरक्षा की जाए और उनको वहाँ रहने के लिए किसी तरह की तकलीफ ना होने पाए। मैं उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में हो रहा है इतने सालों से, और रोजाना मॉब लिंचिंग, मस्जिदों में घुस करके हम मारेंगे लोगों को, कुरान शरीफ में घरों में पढ़ने देंगे, और कहीं ना कहीं रोजाना मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसकी भी चिंता में है। उसकी भी मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के लिए कानून बना दिया आप लोगों ने कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से कोई भी हमारा हिंदू भाई यहाँ आ सकता है आराम साहब, उसके लिए चिंता है। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों की भी चिंता कीजिए, इनके साथ जो जुल्म हो रहा है बिल्कुल आईने की तरह से क्लियर है कि रोजाना कुछ हो रहा है। मैं मांग करना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ की जो हो रहा है हम उसकी बिल्कुल चिंता करते हैं, उसके साथ बिल्कुल हमें उसकी आवाज़ उठाना चाहिए। परंतु भारतवर्ष में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, कुरान शरीफ जला जा रहा है, गब्र इस्लाम के ऊपर जो है तोहनी जुमले किए जा रहे हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सरकार से बार बार कहता हूँ कि एक ऐसा कानून बनाइए आप यहाँ पर कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ कुछ बात कहता है तो उसे आतंकवादी कानून में बंद किया जाए, ताकि उसकी दोबारा हिम्मत न पड़े और कुछ साल तक जेल में रहे। ये इंसाफ है, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए।